दोस्तों नमस्ते, माय न्यू शहर में आप सबका स्वागत करती हूँ। राधे राधे। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। डियर आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और लाइफ में आगे बढ़ते रहें। डियर आज का भी जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ ये है आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स। वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। अपने पर्सन का नाम लेना है, उनके बारे में सोचना है, उनके बारे में ही सोचना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आप किसी के लिए बुरा अगर सोचते हो ना, तो क्या होता है कि जब आप किसी के बारे में अगर बुरा सोचते हो तो वो बुराई आप अट्रैक्ट करते हो और उसके लाइफ में काफ़ी चेंजेस आने लगते हैं, ठीक है। जब आप अंदर से जलने लगते हो, टूटने लगते हो और होता ना उसके खिलाफ़ गुस्सा, फाइट करना, तो ये कहीं ना कहीं आप खुद को जलाते हो। और जब खुद को जलाते हो तो सामने वाला के लाइफ में ही खुशियां जाती है, वो हंसी मजा एंजॉय करते हैं, इवन कि आपको जले से भी फील कराते हैं। इसलिए उनके लिए निगेटिविटी सेंड ना करें, उनके लिए जले से फील ना करें, चाहे कोई भी इंसान हो। खुद को बदलने के लिए कुछ आप रीड करें, बुक पढ़ें, सर्च करें, नॉलेज गेन करें। ये बहुत अच्छा माध्यम है लोगों से और निगेटिव थाट से दूर रहने का और खुद को हील करने का, ठीक है। ज्ञान भी होता है और ज्ञान प्राप्त भी होता है। तो चलिए रिलैक्स हो जाइए, देखती हूँ लेट नाइट थॉट्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के। नहीं, आप देख सकते हो इसमें दो लॉ निकल रहे हैं, ये कैंडल में दो लॉ हैं। आप देखिए दो लॉ हैं, इसमें दो जल रहा है, मैं आज अभी देख रही हूँ। देखो इसमें दो हैं, देख रहे हो, अभी मैं ध्यान दे रही हूँ। आप देख सकते हो इसमें दो लॉ आ चुके हैं, दो बात, एक मोटा सा दिख रहा है, एक पतला सा दिख रहा है। क्या बात है, ये भी एक मिरेकल सी है। हरे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। किसी का फेस बना है इसमें, पता है, किसी का बड़ा सा मैस्कुलाइन जो एनर्जी नहीं होता है उस तरह का फेस बना है। एक सेकंड मैं कैसे बताऊं आपको, एक सेकंड मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा कैंडल बुझाती, एक चीज़ दिखाती हूँ आपको। देखिए आपको दिख रहा होगा, देख रहे हो, दो में एक, एक लग रहा है एक मैस्कुलाइन जैसा एकदम गुस्सा आक्रोश वाली एनर्जी है, ठीक है, और एक एकदम से बिल्कुल अलग सा चीज दिखाई दे रहा है। चलिए रिलैक्स हो जाइए। लेट नाइट थॉट्स आपके पार्टनर की एनर्जी जस्ट प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें और आके दिव्य शक्ति गाइड करें, राधा रानी गाइड करें, ओम आर्थ दिव्य शक्ति गाइड करें। लेट नाइट थॉट्स, चेंज भी चाहिए, गुस्सा भी है, स्ट्रेस भी है, प्यार भी करना है, इस रिश्ते को भी पाना है। चेंज भी चाहिए और आप भी चाहिए, ठीक है। जस्ट प्लीज गाइड करें। ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, आपके पार्टनर आपके साथ एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, इस रिश्ते पे काम करने की तो सोच रहे हैं। द लवर्स, क्या बात है, बहुत की रियूनियन हुई होगी, कमेंट में लिखेगा कुछ वर्ष आपके पार्टनर आपके तब रियूनियन चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो एनर्जी है ना वो मूड स्विंग्स वाली है। आप देख सकते हो स्ट्रेस भी है, चेंज भी चाहिए और आप भी चाहिए। लेकिन ये तो चीज़ है, कुछ तो व्यूअर्स आपका गुड न्यूज़ मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ तो है, ये पर्सन आपका पीछा नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। जजमेंट आपको मांग रहे हैं खुदा से, भगवान से, यूनिवर्स से, दुआओं में, इनर वॉइस अपने। देखिए ये भी गुड न्यूज़ की एनर्जी दिखाई दे रहा है,
किंग ऑफ सोर्स, ये आपके बारे में ही सोच रहे हैं। देखिए आज मॉर्निंग के वीडियो में जो मैं इमोशनल हो गई थी, तो ये आप देख सकते हो क्रो बैठा है ना। तो कहीं ना कहीं क्रो भी यानी कि कौवा भी ना आपको संदेश देता है, ठीक है। और वो क्यों बात करता है, क्या बात करता है, ये आपको फील करने की ज़रूरत है। किंग ऑफ सोर्स डेथ रिवर्थ मजिशियन टू ऑफ कप्स वॉट ऑन द डेक से वन मिनट हियर। वॉट ऑन द डेक से टू ऑफ कप्स आया है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फैसिनेट फील कर रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। इंसल्स गाइड करें, चाहे कुछ भी हो तेरा पीछा नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकती। और मैरिज कमिटमेंट के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, ये आपके लिए फाइट कर रहे हैं और ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ये समझिए कि बॉटम द डेक से आया है, यहाँ टू ऑफ कप्स है और फाइव ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ठीक है। देखिए कुछ व्यूवर्स मैं यहाँ बोलना चाहूँगी, रिलेशनशिप में आप लोग की कुछ न्यू स्टार्ट हुई है, ठीक है। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा कि कुछ व्यूअर्स आप रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग तो हुई है, कुछ लोग से बातचीत हो रही है। और कुछ व्यूअर्स आपके तरफ देखिए, इनके मन में जो चल रहा है वो तो यहाँ परफेक्ट है कि आपके लिए ट्रू और ट्रुथ है, यहाँ पे ट्रू और ट्रुथ है। और यहाँ पे द लवर्स है, जजमेंट है, किंग ऑफ शोर्ट्स है, डेथ और रिबर्थ है, ठीक है। देखिए कितना भी ऑब्स्टिकल आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सच्चा होता है, जो सच्चा और ट्रू रिलेशनशिप होता है, कितने भी ऑब्स्टिकल आ जाएं, लेकिन उसके बाद ही आप लोग रिलेशनशिप में एक बैलेंस भी आता है और जीत भी होती है। तो देखिए व्यूअर्स, कुछ व्यूअर्स आप देख सकते हो आपके रिलेशनशिप में आपके रिजल्ट मिलने वाले हैं, वो भी रिजल्ट रीयूनियन के चांसेस स्ट्रांग है। और मुझे लग रहा है कि वो कुछ स्ट्रांग डिसीजन लेने वाले हैं मैरिज और कमिटमेंट से रिलेटेड, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा फाइट भी कर रहे हैं, इनको डिसीजन लेना है, आपको लेकर ही लेना है, किसी और को लेकर नहीं लेना है, क्योंकि टू ऑफ कप्स की एनर्जी द लवर्स की एनर्जी है और रिवर्थ यहाँ डेथ और रिवर्थ की एनर्जी है। देखिए कभी कभी ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर को स्ट्रेस भी हो रहा है, बट ये पर्सन आपको भुला नहीं सकते हैं। कभी कभी इनके मन में थोड़ा सा देखिए ये जिद्दी हो सकते हैं, ठीक है, ये जिद्दी स्वभाव के पर्सन हो सकते हैं, खुद को बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रेक थ्रू की एनर्जी, एक रिलेशनशिप में एक नई स्टार्ट हो रही है, ठीक है, न्यू स्टार्ट हो रही है। ये पर्सन आपसे मिलना भी चाहते हैं। देखिए कहीं ना कहीं शायद इन्होंने अगर आपको दर्द दिया है, दिल तोड़ा है, तो इस पर्सन के मन में भी कुछ ऐसी बातें चल रही हैं। और ये लग रहा है ना कि कैसे मैं आपके दिल का सुनूं, कैसे तुम्हारे दिल का सुनूं, मैं कैसे अपने दिल का सुनाऊं, ठीक है। वो मेहनत करना चाहते हैं, वो मेहनत करना चाहते हैं इस रिश्ते पे। हो सकता है ये पर्सन जिद्दी स्वभाव का हो, नो डाउट, हो सकता है अपने गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हों, बट आपको लग रहा है कि एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहा है ना, आपको लगता होगा कि खुलकर एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहा, क्यों मुझे थर्ड पार्टी इशू में डाला। देखिए थर्ड पार्टी बहुत तरह के हो सकते हैं, किसी के लिए करियर भी है, किसी के लिए ऑप्शन भी है, किसी के लिए मदर सिस्टर भी हैं, फादर है, पेरेंट्स है, कास्ट इशू है, रिलीजन इशू है, बहुत सारे थर्ड पार्टी होते हैं, ठीक है, या मैरिड हैं, बहुत तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। तो ये पर्सन के मन में ऐसा लग रहा है कि शायद अब ये आपसे ज़्यादा ये दुनिया बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर उदास नहीं है, स्ट्रेस की एनर्जी आई है, बस यहाँ पे ब्रेक थ्रू की एनर्जी आई है कि न्यू स्टार्ट है, मतलब ये एनर्जी बता रहा है कि आपके रिलेशनशिप में एक गुड न्यूज़ आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए बहुत पैशनेट फील कर, न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दुआओं में मांग रहे हैं, और रीयूनियन के चांसेस स्ट्रांग हैं। और बहुत भी मुझे लग रहा है कि आप लोग की रीयूनियन हुई है, ठीक है, क्योंकि टू ऑफ कप्स की एनर्जी है,
हम साथ साथ हैं, ठीक है। तो यहाँ द लवर्स और टू ऑफ कप रीयूनियन के चांसेस बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। और ये पर्सन इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, हो सकता है ये थर्ड पार्टी से भी फाइट कर रहे हो, कुछ लोगों से भी ये फाइट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन हर हाल में ये पर्सन आपके साथ ही आगे आएंगे, क्योंकि हर हाल में आपसे मिलना चाह रही है, ठीक है। अगर आप दोनों में ब्रेकअप हुआ है, फाइटिंग वगैरह भी हुए हैं, ये पर्सन आपसे डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, ये इनको चेंज चाहिए। गुस्सा जिद किसी और वजह से भी हो सकता है और ये चेंज चाहते हैं। हर हाल में पर्सन चेंज चाह रहे हैं और आपके लिए ही सब कुछ फील कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी तरह का प्रेशर इनको थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो रहा है और उनसे फाइटिंग चल रही हो, ये मैरिज और कमिटमेंट से रिलेटेड, ठीक है। या फिर हो सकता है डियर कि आपके पर्सन ने खुलकर किसी से कह दिया हो आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, तभी तो ये एनर्जी आ रही है, देख रहे हो। डेथ, इन्फिनिटी और रिवर्थ, तो ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके रिश्ते की एक न्यू जन्म होने वाली है, ठीक है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सोर्स की एनर्जी, तो पेन तो है लेकिन ये आपका दिल तोड़ रहे हैं या इन्होंने तोड़ा है, तो ये पर्सन आपको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, ऑफर करने की सोच रहे हैं और रीयूनियन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपके तरफ बढ़ रहे हैं और आपसे प्यार का इजहार करना चाहते हैं, बस ये चाहते हैं रिलेशनशिप में चेंज लाना, बैलेंस लाना और रिश्ते को बेहतर करना। मैरिज और कमिटमेंट से रिलेटेड भी ये बहुत स्ट्रांग डिसीजन लेना चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं और खुदा से दुआओं में गॉड से आपको मांग रहे हैं। लेकिन बहुत यहाँ की एनर्जी है कि इस एनर्जी में ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस ले रहे हैं कि कैसे आपको जस्टिस करूं, कैसे आपके साथ न्याय करूं, कैसे अपने रिलेशनशिप में बैलेंस लाऊं, चेंज लाऊं, ये ऑफर करना चाहते हैं। तो बहुत व्यूअर्स, आपके पार्टनर में काफ़ी बदलाव आया है, ठीक है। मैं देख रही हूँ काफ़ी बदलाव आया है आपके पर्सन में। ये कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ वॉटर द डेक से आया है डियर, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस भी हैं। आपके पर्सन चेंज चाह रहे हैं और रीयूनियन चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप घबराइए नहीं, मैनिफेस्टेशन कीजिए, क्योंकि आपके पर्सन हर हाल में बैलेंस चाह रहे हैं, ठीक है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आपके पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं, बस अपने लाइफ में और अपने रिलेशनशिप में बैलेंस कीजिए, किसी के लिए बुरा मत सोचिए। आपका रिश्ता कैसे बेहतर होगा उसके लिए खुद को बदलिए, खुद को बदलिए और खुद को चेंज कीजिए, अपने आप ही रिश्ते में बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छी एनर्जी, तो खुद को बदला है आपने और आपकी तरफ आपको आपके रिलेशनशिप में ब्लेसिंग्स भी आ रही है, आपको रिजल्ट भी मिलने वाला है, ठीक है। आप जो कर्म किए हो, जो आपने इस रिलेशनशिप के लिए हार्डवर्क किया, उनको आपका रिजल्ट मिलने वाला है। तो ये है आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स। वीडियो अच्छी लगे डियर तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।